क्वेश्चन नंबर 86 है आपके सामने। इसमें क्या दिया है, 18 ईयर्स एगो द रेशियो ऑफ एज एंड बीज एज वाज 8:13। ठीक है, 8:13 दिया है क्या, ए और बी की एज का रेशियो 18 ईयर है वो, मतलब 18 साल पहले, और देयर प्रेजेंट एज कितनी दी है, 5:7। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए, अपन को प्रेजेंट एज बताना है, तो पहले यहाँ पे गैप चेक करते हैं कितने का आ रहा है, 3 का गैप आ रहा है, और यहाँ कितने का आ रहा है, यहाँ 3 और 3 6 का गैप आ रहा है। तो इस गैप को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस गैप को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ ना भैया, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, तो इस 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और इस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 2 16, 13 2 26, ये बन जाएगा 5 5 25 और 5 7 35। अब चेक करते हैं ये कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 फुट 9, और इधर कितने का आ रहा है, 4 5 9, 9 9 का डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो 18 साल में 9 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 18 ईयर्स है। अपन से प्रेजेंट एज पूछिए, इससे पता चल जाएगा 1 यूनिट का मतलब कितनी ईयर है, 2 ईयर, तो 16 यूनिट का मतलब कितना है, 16 2 32 ईयर, है ना, यही तो पूछा है अपन से। अच्छा ये प्रेजेंट एज ये थोड़ी है, प्रेजेंट एज तो ये है, तो ये कितनी हो जाएगी, 25 दूनी 50 साल, उसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी 50 साल, क्योंकि ये तो 18 ईयर एको की बात है ना, तो कितना आ जाएगा, 50 साल आ जाएगी प्रेजेंट एज वही। ठीक है।